السلام عليكم ورحمه الله وبركاته الحمد لله وحده والصلاه والسلام على من لا نبي بعده اما بعد اعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ووصينا الانسان بوالديه حسنا وقال تعالى

वालदन के साथ हसन सलूक और रिश्तेदारों से सिला रहमी करने का बयान वालदे यानि माँ बाप माँ बाप के साथ हसन सलूक इससे पहले भी कई जगह में माँ बाप के हकूक़ का ज़िक्र मख्तसरा आया है आज ख़ास उसका बाप है गोया अब तक जो आप सुनते चले आ रहे हैं सिलसिले ईमानियात से ज़्यादा था अब हकूक़ नास में सबसे पहला हक़ माँ बाप का बयान किया जा रहा है कि माँ बाप के साथ हुसन सलूक क़रन करीम की बहुत सी आयतें हैं तकरीबन छः आयतें हैं जिसमें अल्लाह ताला ने अपने हक के बाद माँ बाप का हक़ बयान किया और बाज़ आयतों में तो सीधा साफ साफ का हमने इंसान को हुक़ुम दिया है हमने इंसान के हक़ में ये फ़ैसला कर दिया है कि वह सैन इंसान कि वह अपने माँ बाप के साथ सिला रहमी करे एहसान हसन सलूक ख़दमत फरमाबरदारी इतात ये सारी चीज़ें इसके अंदर आती सबसे तफसीली आयत जो आज है वह है सूरत अ इसरा पंद्रह व्यापारी की पहली सूरत आयत नंबर तेईस और चौबीस अल्लाह ताला इस आयत में कहते हैं कि आपके रब ने फैसला कर दिया है यानी बिल्कुल रब का अटल फैसला है क्या फैसला है अल्लाह इया कि तुम सिर्फ़ और सिर्फ उसी की इबादत करो यानी अल्लाह की व बिल वालीसाना और माँ बाप के साथ हुसन सलूक करो इमा यबलगन्ना अगर वो दोनों या उनमें से कोई एक बुढ़ापे को खास कर पहुंच गए हो यह नोट कीजिए ख़ास कर जब दोनों या उन दोनों में से एक बुढ़ापे को पहुंच गए हो फल तकुमा उफ तो तुम उफ तक न कहो ऐसा लफ्ज़ तक भी इस्तेमाल ना करो सोच कर देखिए अल्लाह ताला कितनी बड़ी बात कर। वक़ुल्लहुमा और कहो उन दोनों के लिए कौलन करीमा अख्लाक वाली बात अदब की बात अदब से पेश आओ वफ़ी रहम जनाजुल्ली और उनके सामने आजज़ी के साथ अपने बाजू को झुका दो उनकी खिदमत के लिए अपने आप को गया तैयार रहो वब्ब्बिर हम कमा रबानी सगीरा और उनके लिए दुआ करो कहे, मेरे रब उन पर रहम फरमा जिस तरह बचपन में उन्होंने मुझे पाला बड़ी जाम आयत है ऐसे तो कुरान की हर आयत जाम है और माँ बाप के तल्ल से हो जो भी हो उसमें फिर भी इस आयत में जो बात कही गई और ये जो दुआ सिखलाया गया इसके ऊपर हमें गौर करनी चाहिए आइए हदीस की रोशनी में देखें कि माँ बाप के हकूक़ और क्या क्या हैं हज़रत अबी अब्दरहन अब्दुल्लाह इब्न मसूद रजनऊ से रिवायत है कौल उन्होंने कहा अलैहि वसल्लम मैंने नबी वसल्लम से सवाल किया अलमली तआला कौन सा अमल अल्लाह ताला ज़्यादा महबूब है ज़्यादा पसंद है अला वक्तिहा नमाज़ उसके वक्त पर कि अल्लाह का हक़ हो गया कुल तसुम आईय फिर मैंने पूछा फिर कौन सा क़ौल बिरुलवालीन माँ बाप के साथ हसन सलूक माँ बाप के साथ नेकी के साथ पेश आना ये इंसानों के हकूक़ में पहला हक़ हो गया कुल तो तसम आईय फिर मैंने पूछा कौन सा क़ल अलजिहदी सब लरमायाल्ला के रास्ते में जिहाद करना यानि दीन को अमल करने के लिए ख़ुद भी कोशिश करना और दूसरों तक अपने इल्म से अपने क़लम से और अपनी ताकत से दूसरों तक दीन को पहुंचाना। ये भी बुखारी और मुस्लिम दोनों की रवायत अब देखिए जैसा कि क़ुरान में सबसे पहले अल्लाह का हक़ उसके बाद माँ बाप का फिर उसके बाद दूसरे हकूक़ तो इस हदीस में भी सबसे पहले असलात वाला वक्त ही हाँ नमाज उसके वक्त पर यह अल्लाह का हक फिर बिरुलवाल माँ बाप का तो गोया अल्लाह के हक़ के बाद माँ बाप का हक़ है ये हमें अच्छी तरह ख़याल रखना चाहिए क्योंकि इंसान की पैदाइश और परवरिश इन सब चीज़ों में अल्लाह की खिलकत जितनी ज़्यादा है माँ बाप की मोहब्बत भी उसी तरह है क्योंकि वह आयत जो आई रब्बिर हम हमा कमा रब यानी सगीरा अल्लाह उन दोनों पर ऐसा ही रहम फरमा जैसा उन्होंने बचपन में हमें पाला प्यार और मोहब्बत से पाला पोसा जवान किया बड़ा किया क्योंकि हम पैदा हुए थे हमारे आंखें नहीं काम कर रही थी हम देख रहे थे लेकिन समझ नहीं रहे थे कान से सुन नहीं रहे थे जबान से बोल नहीं रहे थे हाथ पैर हरकत तो करते थे लेकिन मदद नहीं कर सकते थे लेकिन माँ बाप हमारी हर ज़रूरत को पूरी किए तो आज जब माँ बाप बूढ़े हो गए हैं उनकी आँखों की रोशनी कम हो रही है कानों के सुनने की ताकत कम हो रही है हाथ पैर कमज़ोर हो रहे हैं बूढ़े हो गए हैं और तुम्हारे हाथ पैर काम कर रहे हैं तो बचपन में याद करो जब तुम्हारे हाथ पैर काम नहीं कर रहे थे तो माँ बाप तुम्हारी हर ज़रूरत पूरी किए तुम्हारे रोने से पहले तुम्हारी आवाज़ करते ही उनके दिल धड़कने लगते थे हर घर में बच्चे हैं देख लीजिए कि छोटा बच्चा जो ही थोड़ी सी आवाज़ करे थोड़ा सा रोए तो माँ बाप के दिल कैसे धड़कते हैं तो वैसा ही कहा गया कि अब माँ बाप बूढ़े हो गए हैं वो कमज़ोर हो गए हैं तुम्हारे अंदर ताकत और क़ुत है तो ज़रा उस ज़माने को याद करो अगर तुम्हें याद नहीं अपना बचपन तो अपने बच्चों का या घर में कोई बच्चा है तो देख लो और उसी तरीके से पेश आओ जिस तरह तुम्हारे माँ बाप बचपन में पेश आए थे तुम्हारे माँ बाप बचपन में तुम्हारे रोने से पहले तुम्हारी ज़रूरत पूरी करते कितनी प्यारी बात है अगर हम जरा सा सोच लें तो ये जवानी का गुरूर जवानी का गुस्सा जवानी का जोम सब ढीला पड़ जाएगा क्योंकि माँ बाप का हक़ बहुत ऊँचा है आइए इसके अंदर बहुत सी हदीसें हैं हम थोड़ा मुख्तसर करके चलेंगे इसलिए कि एक ही रवायत के बहुत से अल्फाज हैं हम आगे बढ़ते हैं हज़र तबोरतन रावी हैं रसूलसम से रिवायत करते हैं इन तल कल ख़ल कह तिनम अल्लाह ने जब दुनिया की हर चीज़ को पैदा कर दिया और उससे फ़ारग़ हुआ तो सबसे पहले रिश्तेदारी खड़ा हो गया रहम अ रहम खड़ा हो गया हर मकाम बिकी मिनल़ीयी और वह खड़े होकर कहने लगा ये उस शख्स का मकाम है जो खत रहमी से तुझसे पनाह मांगे अल्लाह तला ने फरमाया हाँ क्या तो इस बात पर राजी नहीं कि मैं उससे जोड़ू जो तुझसे जोड़े और उससे खतः ताल्लुक़ कर जो तुझे तो दो बाप है इसमें माँ बाप के हकूक और सीलतुल्हम माँ बाप के साथ भी रहमो सलूक दूसरे रिश्तेदारों और इन इंसानों के साथ भी सील रहमी तो दोनों के हकूक बताए गए तो रहम जब खड़ा हुआ और कहा कि मेरा क्या मकाम है मरतबा है तो अल्लाह ताला ने कहा जो तुझे कटा काटेगा दूर करेगा मैं उसको अपने से दूर कर दूँगा और जो तुझे जोड़ेगा रिश्तेदारी को दोस्ती को और माँ बाप के ताल्लुकात को तो मैं भी उसे जोड़ूंगा इतनी बड़ी बात उन लोगों ने कहा गया और जो लोग ज़मीन में फसाद मचाएंगे उनके लिए लानत फरमाई गई तो मालूम यह हुआ कि हमें चाहिए कि रिश्तेदारी को जोड़ें रिश्तेदारी को तोड़े नहीं रिश्तेदारी जोड़ना बहुत बड़ी चीज़ है अब माँ बाप में दोनों हैं माँ है बाप है क्या दोनों के हकूक़ सा हैं बात चीज़ों में एक सा हैं बात चीज़ों में माँ का हक़ ज़्यादा है ये अक्सर हम सुनते रहते हैं इसलिए हम मुख्तसर आगे बढ़ते हैं हज़रत रावी हैं वो कहते हैं कि एक आदमी आया या रजल रसूल अला व्ल फ़क़ौल और उसने कहा या रसूल अल्लाह के रसूल मन अह ना सिब सहाबती मेरे माँ बाप में सबसे ज्यादा मेरे हसन सलूक के मुस्क़ कौन हैं मैंने माँ बाप में से दोनों में से किसके साथ ज्यादा हुसन सलूक करूँ खाल सुमन खाल उमुख कहा तुम्हारी माँ फिर उन्होंने पूछा सुम अमन उनके बाद कौन खाल उमुख सुब अमन उसके बाद कौन खाल उमुख खाल सुमन उसके बाद कौन खाल अबूक रवा मुतफुन मुस्लिम तो गोया तीन बार आप ने माँ का हक क्योंकि माँ सबसे ज्यादा तकलीफ उठाती है नौ माह पेट में फिर उसके बाद दो साल तक दूध पिलाना या डेढ़ साल तक फिर उसके बाद माँ के दिल में बच्चे की जितनी मोहब्बत होती है वो बोल नहीं सकते बहुत से वाकियात हैं अक्सर आप बयानों में सुनते रहते हैं ये सुनने के हद तक ही नहीं थोड़ा अमल की ज़िंदगी में भी लानी चाहिए और माँ की दुआ बहुत प्यारी होती है इसी तरह माँ की बद दुआ भी बहुत बुरी होती है वो या माँ का हक़ हाँ पहले ज़्यादा उसके बाद बाप का हक़ हाँ। कहीं कहीं माँ को जन्नत का दरवाज़ा जन्नत का का हकदार कहा गया कि उसके खदमों में नीचे जन्नत है तो बाप को जन्नत का दरवाज़ा कहा गया है ये भी हकूक़ है दोनों को हैं लेकिन माँ का हक़ हाँ ज़रा ज़्यादा है फिर उसके बाद और आइए दूसरी हदीसें हैं इस बाब में बहुत सी हदीसें हैं हम थोड़ा आगे बढ़ते हैं हज़रत अनस रज़ी अल्लाह ताला अन्हु और से रावी हैं वो कहते हैं कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाया मन अहब अन युबसत लहू फी रिज़्क़िही व युनसा लहू फी अथरिही फलियसिल رواه रवाहुल बुखारी और मुस्लिम जिस शख्स को ये बात पसंद है जो आदमी चाहता है कि उसकी रोज़ी में कुशादगी हो और उसकी उम्र में इजाफा हो तो उसे चाहिए कि माँ बाप के साथ सिला रहमी करे और दूसरों के साथ भी खासकर कर माँ बाप और दूसरे इंसानों रिश्तेदारों भाई बहनों सबके साथ सिला रहमी करें यानि रिश्ते को जोड़ कर रखे रिश्ते को तोड़े नहीं तो इसमें दो बातें बताएगी एक तो सबसे पहले बात उम्र की दराज़ी यानी अल्लाह ताला उसके उम्र में खैर बरकत देंगे और रोज़ी में भी खैर बरकत देंगे इस चीज़ को मैं यहाँ एक वाक़ा बताऊँ इसी मदरास में हुआ एक साहब अच्छे पढ़े लिखे सारी सलाहियतें उनके अंदर लेकिन सब कुछ करते थे हाथ तक आता था जेब तक और मुँह तक नहीं आता था यानी समझ जाइए कि कामयाबी नहीं मिलती थी आखिर उन्होंने बड़ी कोशिश की सारी चीजें देखे ये हुए बाद में वो एक बार बयान सुने माँ बाप के हकूक के बारे में उनको फौरन अल्लाह ताला ने तौफी दी कि जरूर मैं यही काम किया हूं जिसकी वजह से मुझे कामयाबी नहीं मिल रही है। उन्होंने दिल से तोबा किया आगे हदीस आएगी कि जो लोग माँ बाप के साथ अच्छा सलूक नहीं करते हैं और अगर माँ बाप हैं तो क्या करना है माँ बाप नहीं है तो क्या करना चाहिए उनको ये चीज़ मालूम होनी चाहिए तो उन्होंने उसके बाद दिल से तोबा किया और अपने माँ बाप के नाम पर सदका खैरा सदे जारिया करना शुरू किया अल्लाह ने उनको बहुत नवाजा इज़्ज़त भी मिली दौलत भी मिली बरकत भी मिली ख़ुशी और राहत भी मिली सुकून और इत्मीनान भी मिला सारी चीज़ें होती तो माँ बाप के साथ हो या रिश्तेदारों के साथ किसी के साथ ऐसा सलूक करके इंसान की रोज़ी में भी आज हर आदमी को सबसे ज़्यादा रोज़ी की परेशानी है वजह क्या है रिश्तेदारों से दूरी रिश्तेदारों से खटास रिश्तेदारों से नफरत रिश्तेदारों से झगड़े पड़ोसी से झगड़े माँ बाप के हकूक़ अदा नहीं करना ये सब चीज़ें ही हमको तबाह कर रही हैं हज़ार हम कह लें नहीं ये वजह वो वजह सब बेकार है असल वजह ये क्योंकि जिस दिल में नफ़रत होती है वहाँ अल्लाह की रहमत नहीं आती अल्लाह की बरकत नहीं आती वहाँ अल्लाह की रहमत और बरकत आएगी उस दिल पर जो दिल इन नफ़रतों से कीना कपट और बदसलूकी से पाक हो लिहाजा हमें अपने दिलों को इन चीज़ों से पाक करना चाहिए फिर देखिए कि आपकी ज़िंदगी में कितने सारे खैर और कितनी सारी बरकतें आती हैं एक और हदीस है जो अब्दुल्ल इबन आमर इबन आस रज़ी अल्लाह तु से रिवायत है कि एक शख्स नबी क़रीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास आया और अर्ज किया मैं आपसे हिजरत पर और जिहाद पर जाने की इजाज़त मांगता हूँ आप सरमाया फल कमिन वाली दई का अहदय क्या तुम्हारे माँ बाप दोनों या दोनों में से कोई एक जिंदा हैं नाम, तो उन्होंने कहा हाँ बल्कि लाहमा बल्कि दोनों जिंदा हैं तब तजर तो तुम जाओ उन दोनों की खिदमत करो और अल्लाह का अजर वहाँ हासिल करो खाला नाम खाल फर्जी अलावालिद फाहसिन सहबत हमा तुम लौट जाओ और उसके साथ अच्छी खिदमत करके उनके साथ भलाई करके हुसन सलूक कर के तुम वहींवाब हासिल करो तो मालूम ये हुआ कि हिजरत और जिहाद से बड़ा सवाब माँ बाप की खिदमत में एक और रवायत इसी से मिलती जुलती दूसरी किताबों में है कि एक सहाबी आए और एक ही बेटे थे तो उनको आपने ये हुक्म दिया लेकिन अगर एक से ज़्यादा हैं तो कुछ लोग देखभाल करें और कुछ लोग दूसरे काम करें ये दुरुस्त हो सकता है या एक बार ये जिहाद में जाएँ हज में जाएँ और दूसरी चीज़ में जाएँ, वो हाँ हज का जिक्र है कि हज के लिए भी इजाज़त नहीं दी गई कहा गया कि माँ बाप की खिदमत करके हज का सवाब पाओ तो अगर एक से ज़्यादा हैं तो एक बार दूसरे बच्चे देखें एक बार ये हज को जाएँ उसके बाद वो हज को जाएँ वो दूसरे माँ बाप को देखें बाहर सूरत जो भी शक्ल हो निकालनी चाहिए लेकिन अगर एक ही औलाद है तो माँ बाप की खिदमत में उसे सब कुछ मिल जाएगा सब कुछ उसे मिलेगा अगर माँ बाप उसके लिए दुआ दे दें तो उसकी दुनिया भी जन्नत है आख़रत भी जन्नत है माँ बाप की हकीकत अम्ब्याए कराम तक भी माँ बाप से दु दुआएं के मोहताज हुआ करते थे वो भी माँ बाप की दुआएं लेते थे हजरत मूसीम का वाक़ आया है कि उनकी माँ ने उनके लिए दुआ की थी दूसरी रिवायत है जिसमें असमा बिन त्या बकरमा बिन त्याबी बकर कौन है हजरत अबू बकर की बेटी हजरत आयशा सिद्दीक़ा रजी अल्लाह की बहन लेकिन उनकी माँ अलग और इनकी माँ अलग थी ये मुसलमान तो हो गई लेकिन इनकी माँ अभी मुसलमान नहीं हुई थी तो एक बार आप सुसलम के पास आए और उन्होंने कहा अल्लाह के रसूल मेरी माँ मुश्रका है यानी अभी वो मुसलमान नहीं हुई हैं तो क्या मैं अफा उम्मी क्या मैं उनके साथ भी सिले रहमी करूँ उनकी खिदमत करूँ उनके, उनके हकूक़ अदा करूँ उनके साथ अच्छे सलूक से पेश आऊँ कौला नबीसम सिली उम्म की तुम अपने माँ के साथ भी सिला रहमी करो तो मालूम हुआ कि अगर माँ बाप नॉन मुस्लिम हैं और औलाद मुसलमान हो गई या माँ बाप क्रिश्चन हैं या कुछ भी हैं तब भी माँ बाप के हकूक़ अदा करना है सिर्फ़ एक चीज़ में माँ बाप की बात नहीं मानेंगे वो है शिरक बाकी हर चीज़ में माँ बाप की बात माननी पड़ेगी और वो भी क़ुरान करी में भी साबित है कि फला जो है तुम अल्लाह के साथ किसी को शरीक ना करो बाकी के हर चीज़ में माँ बाप के साथ हसन सलूक से पेश आना है फिर उसके बाद इस बाब में जो हदीस है वो हम आपके सामने पेश कर रहे हैं वो ये है जिसके रावी हज़रत अबूदरदा रज़ी अल्लाह तु हैं वो ये हैं कहते हैं कि समय तो रसूल सल्लाक़ूल असत बिलजन्ना माँ खासकर बाप जन्नत के दरवाज़ों में से बेहतर दरवाज़ा है फ़ इन शीत फ़ आज अलबाब ओ सो अगर तुम चाहते हो तो इस दरवाजे की हिफाज़त करो उसको जाय ना करो ये तिरमीज़ी की हदीस है और हसन सही है गोया अमल के लिए यह हदीस दुरुस्त है तो मालूम कि माँ के ख़दमों के नीचे जन्नत ये तो हम बाहर सुनते हैं सब हदीस है मशहूर है वालिद का मकाम ये है कि वह जन्नत के बेहतरीन दरवाज़े में से हैं तो बग़ैर दरवाज़े के आदमी अंदर कैसे जाएगा इसलिए बात लोग कहते हैं कि बाप जन्नत के दरवाज़े का चाबी है और माँ जन्नत है तो हमें चाहिए कि माँ बाप के साथ भी और दोनों के साथ अच्छे सलूक करें फिर उसके बाद इसी से मिलता जुलता एक बाप है जो हम इसी में कम्प्लीट कर देंगे वो ये कि अगर कोई आदमी माँ बाप के साथ अच्छा सलूक नहीं करता है तो उसका अंजाम क्या है ये तो अब तक जो बातें हुई माँ बाप के साथ उसने सलूक करने की और भी बहुत सी आयतें और हैं हम मुख्तसर करते हुए आगे बढ़ते हैं तो दूसरा बाब इसी में हम जोड़ते हैं कि तहरीमू वत रहम माँ बाप की नाफरमानी और रिश्तेदारी तोड़ना ये हराम है आयत वही है हदीसें सिर्फ सुनिए और हदीसें कई हैं जो एक ही रवायत से मिलती जुलती उसमें से एक हदीस जिसके रावी अब्दुल्लाह इबन अमर इबन आस रनो वो नबी करीम सम से फ़रमाते हैं अल इ बड़े बड़े गुनाह कौन से हैं तो सबसे पहले कहा अल अलश्रा को बिल्ला के साथ शिरक करना वूक़ुलवालिदेन माँ बाप की नाफ़रमानी करना यहाँ भी देखिए नेकियों में सबसे बड़ी नेकी कहा गया माँ अल्लाह की इबादत और माँ बाप के साथ हुसने सलूक तो गुनाह में भी सबसे बड़ा गुनाह कहा गया है बाद जगह अकबरकबा भी कहा गया है ये कबीरा गुनाहों में भी बड़ा गुनाह कि शिरक पहला और दूसरा माँ बाप की ना फरमान नफ्स ना हक किसी को कतल करना वलीमीनगमोस और झूठी कसम खाना झूठी कसम खाना ये भी बड़ा गुना है रवाहुल बुखारी ये जो बुखारी की रिवायत में है इसी से मिलती जुलती और इसी रावी से दूसरी दिस है कि अकबरुल्कबायर में ये भी है कि रजुली वाली दही माँ बाप को गाली देना तो चूंकि साहबा आपके सामने थे उन्होंने कहा यार रसूल वहल यशतम रजुल वालिदही ही आदमी कैसे माँ बाप को गाली देगा ये तो बड़ी अचंबू की बात है बड़ी ताजुब की बात है कौल यकीन लेकिन वह इस तरह होगा यसुब् अबर रजोली फ़ैसुब्ब आबाह हो व यसुब् उम हो फ उम हो कि एक आदमी दूसरे के माँ बाप को गाली देता है वो पलट कर इसके माँ बाप को गाली देता है या ये दूसरे के माँ को गाली देता है वो पलट कर इसके माँ को गाली देता है गोया दोनों की गाली पलट पलट कर उसके माँ बाप को आ जाएगी अल्लाह महफूज फरमाए अल्लाह इससे महफूज फरमाए बाज़ रवायतों में भी आया कि ज़माना ऐसा आएगा कि लोग माँ बाप को गालियाँ देंगे तो ये भी जो है साहब है इसको ताजुब से पूछे आज ये चीज़ ताजुब नहीं है लोग थोड़ा सा भी कुछ होगा नाचा की फ़ौर माँ बाप को बुरा भला तो फिर वो पलट के माँ बाप को और अगर उसमें से कोई एक आदमी खामोश रह गया तो जो आदमी दिया होगा गाली उसी को वापस पलट कर आ जाएगी तो सामने वाला महफूज हो जाएगा तो आज के ज़माने में ये चीज़ भी काबिल तजुब नहीं है तो एक तो कहा गया कि माँ बाप की नाफरमानी करने वाला सबसे बड़ा गुनाह है दूसरी रवायत में तो यहाँ तक कहा गया है कि इनल्ला तर्रमा आलैको को अल्लाह ने तुम्हारे ऊपर माँ बाप की नाफरमानी को हराम कर दिया है ये भी बुखारी शरीफ की हदीस है और एक हदीस में आया है लाजद खलोजन्नत अत उन रहमी को तोड़ने वाला रिश्तेदारी को तोड़ने वाला जन्नत में दाखिल नहीं होगा तो ये भी जो है एक बड़ा गुनाह में से गुनाह यह है जो रिश्तेदारी को तोड़ते हैं या माँ बाप की नाफरमानी करते हैं इसी से मिलता जुलता और एक बाब है जो हम इसी में जोड़ देते हैं वो ये कि सिर्फ़ माँ बाप के साथ ही क्या मान लिया माँ बाप दुनिया में हैं तो हमने उनके साथ सलूक किया लेकिन माँ मा बाप के साथ हमने सलूक नहीं किया और दुनिया से चले गए तो अब क्या करना चाहिए माँ मा बाप को नेकी पहुँचाने का कौन सा रास्ता है तो उसके लिए ये है देखे बिर्र असदा उल अबी वम वबी वती वयन दबू इकराम हो माँ मा बाप के दोस्तों रिश्तेदारों बीवी और जिनका इज्जत करना मुस्तहब है उन सब से हुस्न सलूक करना माँ बाप के दोस्त और उसमें सबसे पहले आएंगे माँ बाप के भाई बहन उनके साथ अच्छा सलूक करने से माँ बाप को सवाब पहुँचेगा माँ बाप के दोस्तों के साथ अच्छा सलूक करने से माँ बाप को सवाब पहुँचेगा या माँ बाप के हक़ हाँ में मखफ़रत करते रहेंगे मकफरत की दुआ करेंगे तब भी माँ बाप से अगर हम हमारे से नाराज थे तो अल्लाह ताला उसको राजी में बदल देगा ये सब चीजें इस बाब में आएंगे देखिए हदीस इन्ना अबर सिलत अबी ही हजरत इब्न उमर फरमाते हैं उस शख्स का बाप रसूल को फरमाते उन्होंने सुना कि सबसे बड़ी नेकी आदमी का अपने बाप के दोस्तों से नेकी करना चचा हैं रिश्ते में हैं ताया हैं फू है या इसी तरह माँ है तो खाला है या चचानी है और माँ बाप के दोस्त हैं तो इन सबों का एहतराम करना इज़्ज़त करना उनके साथ खिदमत करना या उनके साथ सलूक करना भी माँ बाप के साथ ही नेकी करने के बराबर सवाब मिलेगा ये तक भी जो है रिवायतों में आया और एक और लंबी रिवायत है लेकिन आखिर में हम उसको पूछते हैं सहाबी कहते हैं रावी इन समय तो रसूल यकूल उन्होंने सुना और नबी नबीम को कहते हुए इन अबर्रीलाउीन अभी ही बाद अबाहमर रजी अल्ला चूंकि इसके रावी इबन उमर रज्व है हजरतमर तो वो कहते हैं कि हजरत उमर रतनो के वो दोस्त थे इसलिए मैं उनके साथ अच्छा सलूक अच्छा ताल्लुक़ और अच्छा हुस्ने सलूक करता था तो गोया उनको वो सवाब अपने वालिद के साथ उन्होंने पहुंचाया तो मालूम यह हुआ कि छोटी सी छोटी नेकी भी अगर इनके साथ किया जाए माँ बाप के साथ या माँ बाप के दोस्तों के साथ या रिश्तेदारों के साथ माँ बाप के सगे रिश्तेदारों के साथ तो हमको सब नकियाँ हैं उन सब के अंदर नेकियां मिलेंगी और सब जो है हमारे लिए फ़ायदा मंद होंगे मैंने अभी कहा कि अगर माँ बाप दुनिया में नहीं है चले गए तो उनके लिए इस्तफार करना भी नेकी है हजरत अभी वैद रजतनों से रिवायत है हदीस है कि एक बनी सलमा का एक आदमी आया और उसने कहा यार रसूलोल्ला हलबक़ अन बिर अबावय अबर्रह भी ही बद मौती हिमा कि मेरे माँ बाप दुनिया से चले गए हैं तो अब उनकी मौत के बाद उनके साथ नेकी करने का कोई रास्ता है आपने फरमाया नाम हाँ असला तो माँ उन दोनों के लिए दुआ वल इसतफ़ारहमुमा उन दोनों की मखफ़रत की दुआ व वा इनफाज व अहद हिमा अगर उन्होंने कुछ वादा किया है कुछ वसीयत की है तो उसको पूरा करना और वो वसीयत सही हो तो उसको पूरा करने में दोनों को सवाब लेकिन गलत वसीयत है तो बचने में दोनों को सवाब है तो कहा अगर कुछ वसीयत किया हो या कुछ वादे किए हो इन सब को पूरा करना वसीतरह लती तो और उन रिश्तों को जोड़ना जो उन्हीं की वजह से जोड़े जाते हैं यानी चचा के साथ ताया के साथ दादा वगैरह हैं तो उनके साथ तो उनसे जो रिश्ते जोड़े हुए हैं या उनके दोस्त अहबाब इन रिश्तेदारी को निभाना जोड़े रखना ये भी नेकी का काम है व इकर सदी ही माँ और उनके दोस्तों की इज्जत करना दोस्तों की इज़्ज़त करना भी नेकी का काम है कहा गया कि वो भी तुम कर सकते हो तो इन सब चीज़ों का सवाब माँ बाप को पहुँचेगा हालांकि माँ बाप के लिए सबसे बड़ी चीज़ तो औलाद का नेक बनना है लेकिन ये सब नेकियाँ भी माँ बाप के लिए सिला रहमी का करना और उनके हक़ में दुआ करना उनके लिए इस्तेफ़ार की दुआ करना ये सब चीज़ें हो सकती है फिर उसके बाद इसके अंदर सबसे अहम बात ये बतलाई गई कि औलाद ख़ुद नेक बन जाए तो ये माँ बाप के लिए भी बेहतर है औलाद के लिए भी बेहतर है मद्रास का ही एक वाक़ा मैं आपको सुना रहा हूँ जो हदीस किताब में नहीं है अपनी तरफ़ से एक साहब के वालिद का इंतकाल हुआ वालिद को बहुत चाहते थे बहुत मोहब्बत करते थे लेकिन जवानी में कुछ हो गया होता है शादी के बाद इंसान है कुछ हो जाता है लेकिन इंतकाल पर वो इतना रोए इतना अफसोस किए और एक आलिम के पास जाके पूछे कि मुझसे गलतियाँ हुई हैं लेकिन मैं बाप को बहुत चाहता हूँ अब मैं अफसोस कर रहा हूँ मैं क्या करूँ आलिम बोले कि देखो सबसे बेहतर तरीक़ा अगर माँ बाप को नेकी पहुँचाना है तो आप नेक बन जाइए आपका भी भला है माँ बाप का भी भला है इससे बेहतर नेकी और कुछ नहीं होती लेकिन अफसोस है कि हम लोग माँ बाप को जवानी के गुस्से में जवानी के जज्बे में भूल जाते हैं मौत के बाद अफसोस आता है तो हम चंद रस्म व बना लिए हैं कि दसवें दिन बीसवें दिन चालीसवें दिन छः महीना में साल में खाना खिला दिए और हमने समझा कि माँ बाप का हक़ अदा कर दिया जरा सोच कर देखिए जो माँ बाप शादी होने के बाद भी बीवी बच्चे हो जाते हैं तब भी बच्चा बाहर आता है तो माँ बाप सबसे पहले पूछते हैं बेटा खा लिए अच्छे हो सेहत से हो तुम्हारे बच्चे कैसे हैं उन माँ बाप के लिए साल में छः महीने में साल में दसवें बीसवें दिन जब तक के बच्चा नहीं आता माँ नहीं खाती है बच्चे को नहीं खिलाते ख़ुद नहीं खाती है इससे पहले ये हदीस आया कि हज़रत आयशा रज़ी एक औरत मांगने आई आपने खजूर एक ही खजूर था दिया तो उसने दो टुकड़े किया पहले बच्चों को खिलाया और ख़ुद भूखे रह गई माँ वो होती है तो उस माँ बाप के लिए हम साल में एक बार छः महीने में एक बार याद रखिए माँ बाप की कदर कीजिए ये दुनिया में भी कामयाबी के जामिन हैं आखरत में भी कामयाबी के ज़ामिन हैं साथ बाकी दूसरी हदीसों में वो किताबें हैं दूसरी किताबों में वो हदीसें हैं जिसमें कहा गया है कि अगर माँ बाप नाराज़ तो अल्लाह भी नाराज़ माँ बाप खुश तो अल्लाह भी राज़ी है तो ये सब हम बयानों में सुनते रहते हैं अब हमें चाहिए कि छोटी छोटी चीज़ें चूँकि माँ बाप की उम्र जब बड़ी होती है तो उनको एक बचपना जैसा ख़्याल होता है और जवान जवानी में जवानी के जोश में जज्बात में ऐसा होता है इसीलिए कहा गया है कि दुआ ये करो रब्बिर हम कमा रब्ब यानी सगैरा अपना बचपन याद नहीं है तो घर के बच्चों को देख लो कि माँ बाप कैसे उसके साथ पेश आते हैं तो तुम्हें खुद ब खुद सारी चीज़ें याद आ जाएंगी और सारी चीज़ें तुम्हारे लिए बेहतर हो जाएंगी अल्लाह तआला से दुआ है अल्लाह तो तो हमें और आपको सबको अपने माँ बाप की सही क़दर करने उनकी दुआएँ लेने और अगर हमने उनको नाराज़ कर दिया तो उनको राज़ी करने अगर दुनिया में दोनों हैं या दोनों में से एक हैं और अगर दुनिया से चले गए हैं तो उनके हक़ में दुआएँ करने उनके मगफ़रत के लिए दुआएँ करने उनके इस्तफ़ार के लिए दुआएँ करें और हमने जो नाराज़गी की है अल्लाह ताला हमें उसकी ना उसकी राज़ी को हमें बदल दे अल्लाह ताला ताँ बाप को जो दुनिया में हैं उनकी ख़िदमत करने की तोफ़ी अता फ़रमाएँ और जिनके माँ बाप दुनिया से जा चुके हैं उनके ख़बरों पर नोर बरसाए और अल्लाह उनको ये अपनी ख़ास रहमत उन पर नाजिल फ़रमाए उनकी मखफ़रत फरमाए और उनको भी जन्नत नसीब फरमाए हम सबों को भी उनके दुआओं में या उनके साथ इसफ़ार और करके जन्नत हासिल करने की तोफ़ी अता फ़रमाए आमीन वसल नबी वाला वह अजमैी वन तबसान लाजो में والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته